आज मैं बनाऊंगी हरी मिर्च के पकोड़े जो कि ऑयली भी रहेंगे और एक एयर फ्रायर में रहेंगे। तो इसके लिए मैंने इस मिर्ची को स्लिट कट कर लिया है, चपाती में चाट मसाला डाल लिया है, हींग का पाउडर डाल लिया है, हल्दी पाउडर डाल लिया है, थोड़ा सा नमक डाल लिया है स्वाद के अनुसार। अब मैं इसका एक अच्छा सा बैटर बनाऊंगी, ज़्यादा लिक्विड भी नहीं, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, ओके। इस टाइप की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पकौड़ों की। अब इसमें मैं हरी मिर्ची को डिप कर दूंगी पूरी एक साथ ही। मैंने 10-15 हरी मिर्चें ले ली है तीखी वाली। अब इसको अच्छे से हर जगह से मसाला जो हरी मिर्ची से कोट हो जाने के बाद अभी हम यहाँ पे एयर फ्रायर को गरम कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एयर फ्रायर को ग्रीस कर लिया है एक ब्रश की सहायता से। ऑयल लगा लिया है, घी लगा लिया, बटर लगा लिया, कुछ भी लगा सकते हैं। और ये अच्छे से ग्रीसिंग हो गई है। यहाँ पे मैंने सेम हरी मिर्ची को जो कोटेड थी उसे यहाँ पे एक एक करके अच्छे से बिछा लिया है, अलग अलग करके, ठीक है। इस तरह से अलग अलग रखना है, अलग अलग रखेंगे तो चिपकेगी नहीं। यहाँ पे तेल गरम हो गया है, साथ ही मैं अभी ये वाली जो तेल वाली मिर्चियाँ हैं ये हाथों हाथ बन जाए। तो ये अच्छे से फ्राई हो गई है, क्रिस्पी हो गई है, वो भी विद इन 5 मिनट्स। साथ ही मैं अभी टिश्यू पेपर लगा के अभी प्लेटर कर लेंगे हरी मिर्ची को, पकोड़ों को। ऑयल को थोड़ा सा झड़का के अच्छे से, आप कितना ही कर ले ऑयली ऑयली ही होता है। अभी इन्हें हमने सर्व कर लिया है। अभी हम बताएंगे आपको एयर फ्रायर का टेम्परेचर क्या होना चाहिए। एयर फ्रायर का टेम्परेचर होना चाहिए 165 डिग्री पर। आप 16 या 15 मिनट्स के लिए पका सकते हैं, सफिशियंट हो जाएगा। कम भी रख सकते हैं, जल्दी भी पक जाती है, चेक करते रहिए बीच बीच में। बाकी मैंने 165 पे 16 मिनट्स के लिए चला दिया है। साथ ही में मैंने जो थोड़ा बहुत मसाला बचा हुआ था, जो कोटिंग बची हुई थी बेसन की, उसमें एक अनियन काट के इसको भी फ्राई कर दिया। और ये बिल्कुल फीका है, ये बच्चों के काम आ सकता है, बच्चे खा लेंगे, बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों को। तो इसे क्रिस्पी होने तक, बिल्कुल ब्राउन होने तक पकाइए अच्छे से। और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं चाय वगैरह के साथ खाने में, इनमें बिल्कुल मिर्ची नहीं होती है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर सुनहरा भूरा कलर इसका आ गया है, गोल्डन कलर। अभी इसे भी आप प्लेटर कर लीजिए। साथ ही में मैंने सवाई माधोपुर वाले स्पेशल वाले पकोड़े बनाए थे, इसकी रेसिपी मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। और इसको भी मैंने फ्राई कर लिया। देखिए फ्रेंड्स, टाइमर भी लग गया है और यहाँ पे सवाई माधोपुर वाले पकोड़े भी बन के रेडी हो गए हैं। और ये देखिए, ये भी कितने क्रिस्पी हो गए, कितना सुनहरा भूरा कलर इनका भी आ गया है। और ये अभी हम इसको भी सर्व कर लेंगे साथ ही में। और वहाँ पर जो एयर फ्रायर का टाइमर है वो भी अब लगभग फिनिश होने को ही है, क्योंकि बीप की साउंड मुझे आ रही है। तो देखते हैं, यहाँ पे सर्व हो गए और ये यहाँ पर हमारा एयर फ्रायर का टाइमर भी ऑफ हो गया है। अभी आपको दिखाते हैं एयर फ्रायर वाली ग्रीन चिली के पकोड़े। तो फ्रेंड्स, ऐसे बने कुछ एयर फ्रायर के ग्रीन चिली वाले पकोड़े। इसकी जो कोटिंग है ना वो बिल्कुल ऐसी क्रिस्पी हो गई बिल्कुल, और बाहर से ऐसा लग रहा है जैसे ऑयली, जैसे चमक लग रही है, लेकिन इसमें आपके सामने मैंने जो एक ग्रेसिंग करी बस वही ऑयल था। और आप देख ही सकते हैं सब पकोड़े एक साथ चिपक गए, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो गए हैं और लेस ऑयल है बिल्कुल। आपको दिखा दूँ मैं, ये चमक रहा है लेकिन बाकी इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं है, बहुत क्रिस्पी है ना, इसलिए इसकी ऐसी चमक सी लग रही है, बिल्कुल ड्राई हो गया ये। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सवाई माधोपुर वाले पकोड़े जो मैंने बनाए थे वो कितने ऑयली हैं, ये देखिए कितना तेल छोड़ रहे हैं, हाथ में पूरा स्टिकी स्टिकी हो गया। और ये हमारी जो ऑयल वाली ग्रीन चिली थी इसका ये हाल है। और जो कि अनियन लच्छे डाले थे वो भी ऑयली थे। अब आप किसे पसंद